Assalamualaikum friends, welcome back to another vlog. आप सबको मेरे न्यू व्लॉग में खुशामदीद। हमारे शहर हैदराबाद में हर साल ये अयाज फेस्टिवल होता आ रहा है। इस बार भी हमारे शहर हैदराबाद में अयाज फेस्टिवल हो रहा है और हम वहाँ पर जाएंगे और उस फेस्टिवल को एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं हूँ अपने कुछ दोस्तों के साथ, मिलाते हैं आपको उन दोस्तों से। भाई ये है मेरे दो दोस्त, आप तो जानते हैं, शेदी ब्रदर और एक ही सोलंगिया। आप जानते हैं? हाँ, शायद मेरे व्यूअर्स आपको जानते हैं। क्या कहना है भाई आज का प्लेन? आज का प्लेन क्या है वो आपसे पूछ रहा हूँ। वो प्लेन ये है कि अयाज में लोग विजिट करने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं यार जो आता है हमें करेंगे, बाकी वहाँ पे चलेंगे तो पता चलेगा कि कैसा हो रहा है। आपके भी यही ख्याल है? अभी जो हम करने जा रहे हैं वो कोशिश है। कोशिश नहीं है जी? अच्छा, नहीं 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 कोशिश नहीं है, हम बिल्कुल एक्सप्लोर करेंगे। हम करेंगे तो सही, पर कोशिश ही करेंगे ना यार। कोशिश जो है वो कामयाबी की कुंजी है। तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस लोकेशन पे जहाँ पे ये अयाज फेस्टिवल हो रहा है। ये है अपना सिंध म्यूजियम के अंदर और आपको मैं एक बार रश दिखा दूँ। भाई ये देखो, मतलब यहाँ वहाँ तक तो एंड है, यहाँ से शुरू है बहुत आगे तक। भाई भाई इनको मैं, आपने देखा, मैं इनको रश दिखा रहा था कि कितनी रश है आज भाई, कितनी भीड़ है आज। भीड़ भीड़ जिसको भीड़ बोल दे, रश बोल रहा हूँ मैं। सिंधी यार बाबा, अरे सिंधी सिंधी उर्दू इंग्लिश तीनों मिक्सअप हो गया और लोग आपके सामने। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और अभी चलेंगे अंदर, देंगे आपको अंदर विजिट कराएंगे अयाज में लोग। सिक्योरिटी इशू क्या है? न्यूजीलैंड की टीम आई है, बहुत टाइट है यहाँ। न्यूजीलैंड बोल रहे थे यहाँ पे सिक्योरिटी इशू है, तो हमने सिक्योरिटी टाइट कर दी है। न्यूजीलैंड की टीम को भी गई है, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में खेल भी रही है। अब खेल रही है, अब उनको सिक्योरिटी का इशू नहीं। सिक्योरिटी जो इशू था उनके हमने वो घुमा दिए सारे, अब वो खेल रही है टीम वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप और हम आ गए हैं ट्रेडिशनल शॉप के अंदर। कुछ लोग हैं भाई यहाँ से, आप या देखने आए हो? देखते हैं, कुछ पसंद आता है तो ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आई थिंक लेडीज़ की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं ना, जेंट्स की है। ओहो, हमारे सिंध की शान, सिंध की पहचान है भाई, सिंधी टोपी। लेडीज़ लेडीज़ हैं भाई ये, काफ़ी सारी उम्र पाई हूँ सिंधी टोपी तो। अरे तो सभी लेडीज़ का सामान आ, हाँ ये रही भाई, मतलब हमारी सिंध की शान, हमारी सिंध की पहचान। और अभी तक पहनी नहीं हमने, कल्चर डे पे पहनते हैं सिंध की शान को। भाई रश रश का क्या कहोगे भाई, कितनी रश है यहाँ, और बकरियों की तरह इंसान आया भाई। क्या है, फ्री है ना, पास वगैरह नहीं है। अगर 100 रुपये भी पास होता ना तो भी नहीं आता। हाँ नहीं लिमिट नहीं, मैं हम थोड़ी सी हमारी लेवल है, हम आ जाते हैं लेकिन यहाँ पे लिमिट कम होती है। अभी तो भाई मतलब समझ में नहीं आ रहा, अपने आप को देख रहा हूँ मिरर में। चलें बाहर और मिरर में क्या बोला, अपने आप को देख रहा हूँ, कैमरा मुझे देख रही है, मैं अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ। भाई भाई हाँ चलिए थोड़ा एक्सप्लोर भी करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई आपके साथ। आपके होने वाले के लिए इंशाल्लाह होगा तो यहाँ से लेके जाएंगे हम ये। यहाँ पे एंट्रेंस हुए थे, उसके बाद इस शॉप में भाई यहाँ पे अभी हम आए अपना बुक्स मार्केट में, देखते हैं बुक्स। तो भाई हम यहाँ पे आए थे अपना बुक्स लेने और मैंने एक शख्सियत को देखा है, मेरे टीचर हैं, आपको उनसे मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी इंजॉय कर रहे हो ना? ये भाई हमारे सर हैं टीचर, केमिस्ट्री के किंग है ना। हाँ इस बार टीचर है सर, हाँ
सर इस पार्क के लेजेंड केमिस्ट्री किंग है और सर से मिलके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। देखो हमारी हमारे टीचर से मुलाकात हो गई, हमारे लिए शर्फ की बात है। अब आप कुछ लोगे यार भाई, जो आपके व्यूअर्स हैं ना माशाल्लाह से, किसी को भी बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये बुक्स भी होते हैं, सिंधी के बुक्स भी होते हैं और तारी की बुक्स। अभी थोड़ा सा यहाँ पे देखो इंटरेस्ट के बाद हम गए थे अपना ट्रेडिशनल शॉप में, जहाँ पे सिंधी कल्चर के हिसाब से कपड़े पड़े थे। अभी यहाँ पे एक बुक स्टॉल लगा हुआ है, एक बहुत ही बड़ा सा ये बुक स्टॉल है, देर उसके बाद हम वहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट साइड। तो भाई आप बुक देख रहे हैं क्या, ये कौन सा बुक है? ये सैयद और दास्तान दास्तान है मोहब्बत, वाह मोहब्बत की दास्तान। मगर आप तो टूटा हुआ साथ है ना यार, और तो सुनते हैं हम यार। वो कौन सा देख रहे हैं? ये क्या लिखा हुआ है भाई? ये मतलब ये आपको बुक बताने का है शौक क्या है? नगुजू माशाल्लाह। तो यहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी हमें बुक मिल गई है पॉलिटिक्स की हिसाब से, ये अफ्रीकन पॉलिटिक्स और लैंग्वेज के बता रहे हैं। और पीछे सॉन्ग्स भी चल रहे हैं, कल भी माशाल्लाह से यहाँ पे बुक देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं माशाल्लाह से। मतलब भाई बहुत से पुराने पुराने आपको बुक्स मिल जाएंगे यहाँ पे ना, आप भी आए खरीदे। अभी एक सिंधी है, अभी जाएंगे आगे बुक स्टोर से निकले और यहाँ पे हो रही है लाइव परफॉर्मेंस। चेक क्राउड बोलो। हाँ बोलो बस आप। हाँ ना भाई, हाँ जी। तो देखते हैं लाइव परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद अपने यहाँ से फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे आए थे ऑलमोस्ट 9 बजे ना, है ना 9 बजे आए थे ना। हाँ 9 बजे और अभी बज रहे हैं, ये देखो आप टाइम 12 बज चुके हैं। और अंदर एंजॉय थोड़ा सा किया, सिंगिंग भाई यहाँ से, यहाँ पे कुछ हैंडीक्राफ्ट्स है भाई। ये कौन है भाई? ये यहाँ पे हैंडमेड भाई, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इसको बिच्छू। बिच्छू इंग्लिश में बिच्छू, सिंधी का पता नहीं, सिंधी में बोलते हैं बिच्छू, इंग्लिश में बिच्छू। और ये भाई देखो ये सारी हेलमेट चीज है, ये एक क्रोकोडाइल है। ये देखो भाई ये काओ। उसके बाद यहाँ पे
में सारी इन्वेंट्रीज है और यहाँ पे ये देखो अबे भाई नाम मिला है ये नाम ये मेरी क्लास फेलो एक उसका नाम है। अच्छा हाँ आप आपकी भी है भाई, हम दोनों साथ पढ़ते हैं ना। तो भाई अभी हम आए अपना फूड कॉर्नर की साइड और यहाँ पे देखो हमारे पास सूप भी है, बारबेक्यूज वगैरह बारबेक्यूज हैं और उसके बाद पिज़्ज़ा मेलों को हमने एक्सप्लोर किया और जितना हमसे हो सका हमने आपको भी एक्सप्लोर करवाया वो मेला। और अब टाइम बहुत हो चुका है, हम जाएंगे अपने हम इस व्लॉग को एंड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, फाइनल रिव्यू देंगे अपने दोस्तों से अपने भाइयों से। हाँ भाई तो आप क्या कहेंगे एक यू सोलंगी अयाज मेलो के बारे में? अयाज मेलो जो है वो आठवां अयाज मेलो है। हाँ तकरीबन में तकरीबन चार पांच दफ़ा मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, पांच मेले मैंने एक्सप्लोर किए तो अभी बहुत मज़ा आया है यहाँ पे, हमें इन्जॉय किया है ना। कॉन्सर्ट वगैरह नहीं, कॉन्सर्ट नहीं सिंगिंग जो होती है वो ये और अयाज मेलो में जो फेवरेट है हमारा जो है अजब फकीर जो भी सिंगिंग कर रहा है। भाई मतलब इन्होंने जो डेकोरेशन की है ना एवन हम बहुत उसको परसेंटेज देंगे। भाई फाइनल रिव्यू होगा आपकी तरफ से शेजी सोलंगी जी। भाई भाई आपकी क्या राय होगी और क्या कमेंट देंगे आप इसको? ज़्यादा रश था ठीक है और हाँ यार समझ जो को हमने मिस कर दिया वो थोड़ा मतलब उसके ना जो गाने हैं ना जो सॉन्ग्स हैं वो हमारे टाइप के हैं, बाकी तो ये पता नहीं क्या बोल रहे। लोकल सिंगर्स से यहाँ पे बहुत सारे आए हुए थे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, हाइडे होना जो क्यों समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बिल्कुल भाई सिंधी हम कहाँ सुनते हैं यार, सिंधी मतलब क्लासिकल एक अलग ही उसका मज़ा है, पर हमें हमने कभी सुना नहीं है ना तो मतलब वो इन्जॉय नहीं हो रहा था। खैर हमने फिर भी इन्जॉय किया है और अभी ऑलमोस्ट डन हो गया है, ख़त्म होने वाले सब जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं घर पे। रुख्सती का टाइम है ये, रुख्सती का टाइम है, शादी का टाइम है। अब हम भी घर की जाने जाएंगे है ना भाई? हाँ इंशाल्लाह कल भी मतलब इनका सीन है, हम तो नहीं आएंगे पर बहुत ही अच्छा एक फेस्टिवल है। और जी भाई कल हमारा कहीं और सीन है उसको उसका आपको वेट करना पड़ेगा। 25 दिसंबर आज 24 है। हाँ मैं कल का मतलब मैं आपको डेट बता रहा हूँ, आज 24 है कल 25 व्लॉग आने जा रहे हैं, वो व्लॉग आएगा और इंशाल्लाह होप कि वो भी बहुत अच्छा होगा। अगर आएंगे कि एडवाइस में आया मेरे वालों को देना चाहूँगा यार मतलब कुछ पासिस रखें, भले 100 रुपये का पास हो हम तो नहीं देंगे 100 रुपये का पास देने के लिए हम तैयार हैं, मतलब 100 रुपये का पास हो हम ले लेंगे, अगर थोड़ा बहुत मतलब बैठने की जगह अच्छे सिंगर्स मंगवाएं जो मतलब जो इनको मेरे भाइयों और इनकी बहनों लोग एंड हो गया है ये चुप नहीं करेंगे, इसलिए हम भाई इस व्लॉग को अगर एंड करते हैं। होप यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, यू विल लाइक इट, इंशाल्लाह यू विल लाइक इट सो